कोरोना संक्रमण के इस बेहद अद्भुत दौर ने देश और दुनिया भर के लोगों को कई तरह के तजुर्बे दिए। कोरोना महामारी ने मार्च 2020 के शुरू के दौर में बारी बारी बड़े शहरों को अपनी गिरफ्त में लिया और बाद में कोरोना संक्रमण का जाल धीरे धीरे छोटे शहरों, गांव और कस्बों तक पहुंचा। ऐसे में दिग्रस तहसील को भी इस आफत से दो चार होना पड़ा। मार्च माह से अब तक कोरोना से 700 के करीब लोग संक्रमित हुए, जिसमें से अधिकतर निगेटिव में तब्दील भी हुए। हालांकि अब तक तहसील में कोरोना संक्रमण से 21 लोगों की मौत भी हुई। बहरहाल हाल ही में इन दिनों दिग्रस शहर लगभग कोरोना मुक्त होने की राह पर है, क्योंकि कल तक ईसापुर स्थित कोविड केयर सेंटर में एक भी एक्टिव पॉजिटिव मरीज नहीं था और आज बीते 4 अक्टूबर की रिपोर्ट की 16 निगेटिव रिपोर्ट हाथ आई है। इसके अलावा 2 रिपोर्ट अप्राप्त है। ऐसी जानकारी कोविड केयर के इंचार्ज डॉक्टर अभय गोविंदवार ने दी है। बहरहाल एक वक्त ऐसा भी था जब कोरोना संक्रमण से सारा शहर भयभीत था, लोगों में खौफ तारी हुआ था, मोहल्ला और कंटेनमेंट जोन में तब्दील किया जा रहा था। दिन भर में बड़ी संख्या में संदिग्ध संक्रमित मरीजों की खेप लेकर एम्बुलेंस कोविड केयर की ओर रवाना होती रहती। फिलहाल ये नजारा दिग्रस तहसील के पटल से नदारत है, जो कि सकारात्मक बात है। फिर भी एहतियात के तौर पर योग्य सुरक्षा के मद्देनजर बतौर नागरिक हमें सचेत रहकर सावधानी बरतना जरूरी है, ताकि कोरोना संक्रमण के फैलाव पर लगाम लगाई जा सके। NBC न्यूज के लिए जुबैर खान की रिपोर्ट।